नमस्कार। इस वक्त हम हैं चोइथराम मंडी में और यहाँ पर आलू और प्याज की जो आवक है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि अब प्याज आने का समय है और धीरे धीरे प्याज की जो आवक है वो भी लगभग बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ व्यापारी शॉप हैं, नंबर 282 बताइए। शॉप नंबर 282 के जो हमारे व्यापारी हैं राजेंद्र पाटीदार, वो हमारे साथ हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं और आज की क्या स्थिति मंडी की रही है वो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि लगातार अब प्याज की जो आवक है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो क्या दाम में कोई उतार चढ़ाव की स्थिति हमको देखने मिलेगी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि दाम में उतार चढ़ाव। अभी लोकल प्याज बहुत कम मात्रा में आ रही है, मतलब अराइवल कुछ मिला के बहुत कम है मंडी के अंदर। कुछ माल खेरसी में अच्छा उठाव है और बाकी लोडिंग में तो अभी सबने पीछे कदम खींच रखे हैं, क्योंकि लोडिंग में भी पड़ते बैठ नहीं रहे इस भाव में। खेरसी में भाव आज की तारीख में आज बिके माल 20-22 रुपये, अच्छे बढ़िया माल, सुपर क्वालिटी वाले। इस कुछ महाराष्ट्र से भी आते हैं, कुछ पुना क्वालिटी है वो बिक रहा है 19-20। लोकल माल की पोजिशन है 12 रुपये से लगा के 15 रुपये। बाकी अभी धीरे धीरे उठाओ तो अभी क्या स्टॉक वाले आएंगे बाजार के अंदर, तो मेरे को लगता नहीं कि अभी इतनी अराइवल बढ़ेगी। 20-25 दिन तो नहीं लग रहा कि अराइवल कुछ बढ़ेगी, क्योंकि अभी किसानों का माल अभी खेत से निकलेगा तो पूरा स्टॉक में जाएगा। अगर बाजार रहा ठीक ठाक तो किसान उसको बेचेंगे बाजार मार्केट के अंदर, अन्यथा थोड़ा माल को रोक के बेचेंगे। आज के दाम रहे प्याज के, आज यदि बात करें ऊपर में नीचे में? आज बाजार है हल्के मालों की पोजीशन है, अपने लोकल माल जो आ रहे हैं 12 रुपये से लगाएगी 15 रुपये, सुपर क्वालिटी 16 रुपये से लगाएगी 20-21 रुपये, अच्छा, महाराष्ट्र क्वालिटी। महाराष्ट्र क्वालिटी। अब धीरे धीरे जो प्याज की आवक है वो बढ़ेगी, चूंकि एक्सपोर्ट भी अब बढ़ना चालू होगा, तो क्या लगता है आने वाले समय में दाम में कोई इजाफा हम देखने मिलेगा इसके तहत? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, बस बाजार यहीं घूमता रहेगा 15 से 20-22 रुपये के आसपास। आगे जाके स्टॉक में जाएगी प्याज, कुछ क्राइसिस रहेगी, कुछ डिमांड अगर बढ़ेगी तो हो सकता है बाजार ऊपर भी चला जाए, 25-30 रुपये पहुंच सकते हैं। कौन कौन सी क्वालिटी का प्याज हमारे पास आता है, चूंकि इंदौर के आसपास से, मध्य प्रदेश के आसपास से राज्य से प्याज हमारे यहाँ आता है? फिलहाल में भी क्या नासिक आ रहा है, लोकल भी आ रहा है, अब धीरे धीरे नेफेड चालू होने वाला है, जिसको अपन देसी प्याज बोलते हैं। प्याज के दाम अक्सर देखते हैं कि आने वाले समय में जो है रुलाते हैं, क्योंकि अभी तो ठीक रहते हैं लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो प्याज के दाम लगातार बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में प्याज के जो दाम है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार? सरकार को क्या सुझाव इस बार, वैसे बाजार मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि फसलें कम लगी है, 20 से 25% फसलें मेरे हिसाब से कम लगी हुई है और नुकसान भी हुआ कुछ मौसम का। बाकी नेफेड खरीदती है प्याज हर साल ही, सुनने में आता है ऐसा कि महाराष्ट्र से काफी स्टॉक करती है नेफेड। अब ये तो अराइवल चीज है, मार्केट के ऊपर चलती है ज्यादा, इस पर गवर्नमेंट भी अगर ध्यान देती है, सरकार तो काफी ध्यान देती है इसके ऊपर कि बाजार बना रहे स्थिर, किसानों को भी पैसा मिले, गरीब वर्ग भी नहीं मरे, लोकल परचेसर को भी ठीक ठाक रेट मिलता रहे। सरकार का इसमें काफी प्रयास रहता है और सरकार काफी प्रयास करती रहती है इसमें। सब्जियों की जब भी बात होती है तो प्याज के की जो बात है वो प्रमुखता से होती है, क्योंकि प्याज की बात प्रमुखता से इसलिए होती है क्योंकि अक्सर जो है हर साल प्याज के दाम बढ़ते हैं, कई बार प्याज सरकारों को ले भी डूबा है, तो प्याज प्रमुख एक सब्जी के तौर पर भी उपयोग होता है और साथ ही साथ इसके दाम भी जो है वो सामान्य सब्जियों की तरह बढ़ते घटते रहते हैं। क्या लगता है आपको सीधे तौर पर जो जनजीवन पर इसका असर पड़ता है, तो लगातार जब दाम बढ़ते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है और कैसे इस दाम को जो है मेंटेन किया जा सकता है और कैसे किसान भी जो है दाम को मेंटेन रखने में सहयोगी बन सकता है? बहुत साल ऐसे भी गए सर कि इसमें ना कभी कभी प्याज को फेंकना भी पड़ा है, उस टाइम पे किसी का ध्यान ही नहीं गया कि किसान को कितना लॉस हुआ है। ये तो क्या कि अगर शॉर्टेज के टाइम है तो थोड़ा बहुत मैनेज करके अपनों को चलना चाहिए, हर बार किसान को कोई दाम थोड़ी मिलता। और आज की तारीख में अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो 12 से 15 रुपये के बीच में तो किसान के घर में लागत पड़ रही है प्रोडक्शन। आज इस साल अगर प्रोडक्शन होएगा जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, मतलब मेरे हिसाब से काफी कम प्रोडक्शन आना चाहिए, तो करीबन किसान की लागत ही बैठ जाएगी 12 रुपये तो पर किलो लागत 12, 10 से 12 रुपये तैयार होके माल किसान के गोडाउन के अंदर आएगा। तो मेरे हिसाब से कम किसान का माल 20 से 25 रुपये सालाना बिकने बिकना चाहिए, इससे कम में किसान को पोसाता नहीं। मैं भी किसान हूँ, बिल्कुल, है ना। देखिए निश्चित तौर पर तो ये हमारे साथ थे व्यापारी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धीरे धीरे अब जो है आवक है वो प्याज की बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में और प्रमुख तौर से इंदौर में जो प्याज आता है वो महाराष्ट्र यानी नासिक से आता है, और अब धीरे धीरे जब आवक बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर भाव पर भी इसका सीधा असर जो है वो देखने मिलेगा। इंदौर के चोइथराम मंडी से।